अकबर माशाल्लाह। फरहान मियां, दामाद ताजुसरिया का बयान देख करके बेहद खुशी हुई। आज हमारे भाई ताजुसरिया हयात होते तो अज्जत को खबीस तो कुत्ता बनाते और मारने को लेते। खबीस है तेरी औलाद, ये तेरा सलमान जमात रजाए मुस्तफा और दरगाह अल्लाह को भेज रहा है, पागल हो गया। मगर क्योंकि भाई हमारा चला गया, कोई कहने वाला नहीं रहा, अब ये जो किसी लायक नहीं मुकादर कुदात में नहीं है, दिमाग खराब हो गया। तीन करोड़ के बाप के जनाजे में क्या आ गए थे, गुरूर हो गया खबीस को, दिमाग खराब है। कैसे फिर दुनिया भर में मना नहीं है, कहने मजार है। अब दुनिया कहेगी कि मन्ना निमिया कह रहे हैं अज्जत बहुत बड़ा खबीज है, अगर मुझे मिल जाता है जिन छुकाई करता दिमाग खराब है इसका खबीज। मेरा भाई ताजुसरिया होता तो मुझसे कहता मन्नानी चचा जान हो तो पकड़ के इसका छुकाई करूं, इसका दिमाग खराब हो गया। और सलमान का दिमाग खराब हो गया, सलमान से लेके फरहान दो दो बेटी कुत्ते ने दे दी। पता नहीं जबकि सलमान ने कहा था कि इसका फफा खबीज है, भाभी है, एक दिमाग खराब का मक्तों का। और हमारे दामाद के ऊपर पीलीभीत में जैल मुसभा के सफर खुशामंद में जाके चढ़ गया खबीस, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, बरदूस कहीं का। बहुत अफसोस हुआ, मगर मुझे फरहान मियां की जो तहरीर देख करके थोड़ा सा मुझे मेरे रंज को कम और सदमा मुझे कम हुआ। वरना हमने कोई ऐसा किसी को नहीं छोड़ा, तौकीर मियां ने भी अगर गलती करी तो हमने उसको भी नहीं छोड़ा है, सबसे ज्यादा हमने उसकी लड़ाई करी। कोई भी हो जो हक से जरा दूर जाएगा उसको हम हक पर लाने की कोशिश करेंगे। सरकार इसीलिए है, जमात रजा मुस्तफा अहमद रजा बरेलवी ने इसीलिए बताई थी कि दुनियादार कुत्तों को तू हवाले करे, तू किस लायक है, तू कभी तुझे पढ़ानी। तेरा बाप ताजुसरिया मनानी से कहता था तुम इसके चाचा जानो, लेके जाता था पैदल, कभी जाता नहीं था। बहुत बेचारे महमूद तहसीन मिलत पढ़ाने की कोशिश करते रहते थे, पता नहीं। और अगर पढ़ा है बता किस जगह से पढ़ा, कौन से तेरे पास सन्नत है और किसने तुझे खिलाफत दी, पागल हो गया खबीस, दिमाग खराब है। जब देखो ताजुसरिया को लेकर के उनका तुम झंडा बन करके और जैल मुसभा मस्जिद कबीर को लेकर पीलीभीत में लड़ाई करता है तो तेरी मालूम तेरी बहन वहां रहती है, और जाके पीलीभीत में तू उन्हें बली मामी खा के आया। वो ही ताजुसरिया को हजमती घराना कहता था कि हमारे अमीर अहले सुन्नत है, सबको तूने खबासत करी, और आज पीलीभीत से लेकर नागपुर तक तू लड़ता फिर रहा है, पागल हो गया तेरा दिमाग खराब है, इतना बड़ा कमीना। हम उससे पैदा हैं जो हमारे वालिद का नाम मुफस्सिर आजम जिलानी मियां, उसी हमारा ताजुसरिया पैदा है। वो ताजुसरिया में सरकार के पाले नहीं लगे हुए थे, जब ताजुसरिया जा रहे थे मिस्र, इतनी पिटाई मेरे बाप ने करी, कहां जाना हबीब, पागल हो गया दिमाग खराब हो गया। वो अख्तर की इतनी पिटाई करी, रहमान मियां ने मस्जिद में से निकाल के धक्का दे दिया, सबने उसकी इज्जत बताई कि कैसी इज्जत होती है, और तूने सारे कमीने ऐसे पागल कस्म का दामाद रख लिए। तेरी इसके अंदर रजा शामिल होगी, तेरी रजा के बगैर वो नहीं गया होगा, तूने कहा होगा जा। जैसे आबिद को लाल बत्ती मिली, ऐसे सलमान को लाल बत्ती मिले, तो किसे लाल बत्ती मिले? हम तो वो लोग, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आया था आला हजरत, हमें बुलाया, हमने कहा हमारे भैया ताजुसरिया, बोले हमने उसे नहीं बुलाना, तुम्हें बुलाना, तुम्हें से हम लाहौल पढ़वाएंगे, तुम्हें हम तुम्हारी फिक्र करते, तो हमारा पोता है, हमने लाहौल पढ़ा, कोई ताजुसरिया ने लाहौल नहीं पढ़ा, और तू भाग गया बहड़ी, और आज तू कादर कोदार बनता है खबीस, किस इलाके तू बड़ा बदमाश खबीस कुत्ता गया कभी ना मेरे सामने होता, इतनी ठुकाई तेरी खुद से मैं ऐसा मारूंगा कि तू सारी सब निकल जाएगी तेरी। हम उसकी औलाद है जिसका निकाह इमाम अहले सुन्नत अमीर मोमिनीन आला हजरत इमाम अहमद बरेलवी ने पढ़ाया, जिनकी हमारी अम्मा मुफ्ती आजम की बेटी है, हमारा वालिद खुद साहब का बेटा है। क्या है ताजुसरिया, 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 सरिया सरिया बरिया गरिया, क्या ला रखा है खबीसों ने, ताजुसरिया ताजुसरिया ताजुसरिया, दुनिया के काम चल रहे हैं बगैर ताजुसरिया के, थमानी का काम बगैर ताजुसरिया का चल रहा है, कबर का काम बगैर ताजुसरिया का चल रहा है, उमर का काम बगैर ताजुसरिया का चल रहा है, खालिद का
मैंने उसका काम बगा चाची सरिया का चला। हम अगर इज्जत से मोहब्बत से नाम लेते हैं चाची और उनका काम नहीं चलता। अरे पागल हो गया तू? ये कहना चाहिए मन अहब्बा चाहे रखता जिक्र हूं, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका अच्छा जिक्र करता। ये भी मेरी मोहब्बत की बात है कि मैं तेरा चचा हूं तो मैं तुझे डांट रहा हूं। अगर होता तू मेरे सामने तो मगर पेटे तुझे नहीं छोड़ता। तो अपना दिमाग सही रख, होगा कैसा चाची सजिया 3 करोड़ तेरे लिए आए थे। वो तो आला हजरत से लोग मोहब्बत करते हैं, कोई चाची सजिया हो गया, कोई हो गया। हमें खूब हमें पता है कि चाची सजिया हमारा भाई था, गोदी में हमारे खिलाता था, हमें पढ़ाता था। मुफ्ती आजम के दरवाजे में लेके गया और कहा मैंने पढ़ाया। तो हजरत ने कहा विलायत की नजर देख रही है, आगे तुम संभल जाओगे तो ये मन्नानी रहेगा दिन का काम करने के लिए। पागल हो गया कम वक्त तू? तो काफी खुदा से फलाने हैं और हमारी ये इज्जत है, इज्जत है। मैं जाता हूं ताजी सरिया के मजार पर, सबको सांप सूंघ जाता है, वो सर का कुत्ता बैठा रहता है और कोई आ गया कुत्ता तो ये नारे तकबीर वो नारे तकबीर, हमें कुछ गधा से बनता है, सब तेरी निकाल कर रख देंगे। पीलीभीत पे चढ़ गया, इसलिए चढ़ गया वो गरीब थे कमजोर थे। और फिर उन्होंने अपनी शान दिखाई, जो तेरे नाम का अधरी चाहने वाला एक बार अधरी मिला उसको छकाई करी दिखा दिया। अगर उनके संबंध में आ रहा तो तुम जैसे जाने कितनों को पकड़ के पीट दें, मगर तुम्हारा लिहाज करा उन लोगों ने। तो ताजी सरिया बना हुआ कब बात शहजादे ताजी सरिया, न पढ़ा न लिखा, दुनिया भर का गुंडागर्दी करना। और आज तूने कौन को भेज डाला? खबीज के बाद भेज दिया जिसे तुम्हारी वोट की जरूरत नहीं, उसके बाद तुझे भेजा और तेरी रजा के बगैर गया नहीं है। लिहाजा तू कादिर कजात फिर हिंद से इस्तीफा दे और जमाते रजा ए मुस्तफा तमाम खानदान आला हजरत के लोगों के दरमियान में इस्तीफा दे और सारे खानदान के हवाले करे। उसके अंदर सुबहानी भी होगा, तू भी होगा, मन्नानी भी होगा, समझानी भी होगा। तू कहीं का घमंड न डाले, तू इतना पकड़ कर ठोकूंगा अगर तू मेरे सामने आया। क्या है तू, क्या समझता है साले? हवा है हमला तेरा पिछा तूने हमारे और तुझे गोदी में लेकर हम घूमते हैं, तुझे साले पढ़ाने के लेकर गए उठा रहे। राजा कह रही है कि चचा जान आप आ जाते ही उठता नहीं है। मैं कह रहा था अपने भाई ने ये उठता नहीं, मैं आता हूं। तो वो कहते थे तुम्हारी वजह से शायद उठ के चला जाए तुम्हारे लिहाज में। तो 2 दिन तो मदद से चला गया और मैंने तेरी इज्जत कायम रखी कि हाँ कुछ पढ़ा है कुछ पढ़ा है। अगर तूने पढ़ा तो क्यों नहीं तेरी जामिनूरिया से दस्तारबंदी? क्यों हुई सलमान की अमीन शरीफ की लड़की से दस्तारबंदी? क्यों ताजी शरीफ उसमें गए? हाँ उसने पढ़ा था इसलिए उसकी दस्तारबंदी कराई गई। तूने पढ़ा ही नहीं तो कोई तेरा मामू तहसीन मिल्लत हो या अमीन शरीयत तुझे खिलाफ और तुझे तेरी सनत तुझे दे नहीं सकता, कोई जाहिल को देगा? तेरा बाप ऐसा था कि अपना जानीशन बना गया, मालूम होते हुए ताजी सदियों को बिल्कुल पागल लड़का है, किसी लायक नहीं है जानीशीन। ये अकलबा पड़ रही है, ये ताजी सदियों का अमल सही नहीं है। वो अपने आपको भूत बनाए हुए थे कि बहुत बड़े हम यू हैं हम वो है, वो खुद अमल का उनका ठीक नहीं था। एक जाहिल को बना गए, बनाना था तो सलमान को बनाते जिसकी दस्तार बंद हुई हुई थी, वो उनका दामाद था। मगर तू जैसे गधे को बना दिया और फिर तूने अपनी लड़की और पागलों को दे दी। अब पागलों को देने के बाद सुबहानी ये कहता है सुबहानी मियां कि तेरा एक क्या फुफा वो भावी है, सुन्नियत के खिलाफ बरेली श्री में काम होता है और तेरा दिमाग खराब रहता है, क्या फिरना चाहता है तू? दिमाग खराब कर रखा है तो गुंडा है क्या? तेरे 3 करोड़ वो कहां तेरे बाप के जो तेरे चचा डांट रखकर लाने घर में आप चढ़ गया? अभी भाभी बेचारी कमजोर हो गई इसलिए मैं जाकर उससे नहीं कहता हूं। मेरा अगर भाई इतवा जिंदा होता मैं अगर इशारा करता तो मुझसे कहता पकड़ के लाओ, ठुकाई तेरी होती, बहुत ठुकाई होती। मेरा भाई तो जैसे कुत्ता बना है पागल बना है और कहे चाची चचा जान मैं नानी मियां आप इसको पढ़ाने नहीं जाए। मैं मेरा तेरे पर एहसान है, जो कुछ भी तूने पढ़ा ये मेरा एहसान है, तो किसी का क्या एहसान मानेगा? मगरूर है, मगरूर हो गया, तेरा बाप का इंतकाल हो गया, बस 3 करोड़ आ गए थे सब तेरे पीछे। आज कैसी भगवत करा रहा है, ऐसी तूने पहले कराई। तेरी बेटी अंग्रेजों के यहां जाके पढ़े तो भेज दिया नासिर हुसैन को,
उसने कहा अच्छा ठीक है, अजन्मियों की बेटियां कहां पढ़ती हैं? बोले वो तो अंग्रेज की उसमें पढ़ती हैं। बोले लो गरीबों के बच्चे नहीं पढ़े? कैसी भद तूने करा टाल ठोक में, जी न्यूज में जब चाहता है तू बहुत भद कराता है इस खानदान की, न तू पढ़ा न लिखा और तूने पागल भी रख ली है भद कराने के लिए। और कितना नासिर कुरैशी को अफसोस हुआ, उसके बाद हम लोगों को आज भी देख देख कर अफसोस होता है कि तेरी बेटियां तो आप वहां जाए और वहां पर बेटियां जाए तो सलमान साहब मिल गए। तो बेटियों को पढ़ाना चाहिए, यह अनहक की तालीम है। पैसे हो गए तो कार हो गई तो ड्राइवर हो गया, ड्राइवर है तो बेटियां जा रही पढ़ने के लिए अंग्रेजी। लाहौल वाला।